दोस्तों 2024 के सिर्फ 10 दिन खत्म हुए हैं और मैं कह रहा हूं एक बात, 2024 बहुत ही अच्छा लग रहा है स्मार्टफोन्स के लिए। मतलब ऐसे ऐसे फोन्स ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ ऐसे आने वाले हैं जो 2024 में धूम मचाने वाले हैं, और उसमें से एक फोन मेरे पास आज है, पोको X6 प्रो। ओ माय गॉड, वैल्यू फॉर मनी के क्वेश्चन में दोस्तों इट इज राइट अप देयर। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, बट आई एम ऑलरेडी सेइंग इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पोको X6 प्रो। चलिए लेट्स स्टार्ट, सब कुछ बताएंगे आपको, सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। येलो ब्लैक बॉक्स, येलो लेटरिंग। वैसे दोस्तों अगर अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई डोंट नो, मेनी पीपल कम वॉच आवर वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले सिम कार्ड टूल, देन यू हैव वो इंटरेस्टिंग क्लियर केस, नहीं है ग्रे कलर की केस है, और वो जो कैमरा कटआउट है बहुत ही बड़ा है, पोको वी एसोसिएट दैट विद पोको। फिर डॉक्यूमेंटेशन है एंड द फोन, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं फोन के पास तो देखेंगे, लेकिन 67 वॉट का मोटा यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जर आता है दोस्तों, नॉट बैड, एंड ऑब्वियसली यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। या दैट्स अबाउट इट इन द फोन, लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट, ओहो लुक एट दिस कलर, ग्रे, लाइट ग्रे कलर है। जनरली दोस्तों इनमें फोर व्हीलर्स नए आजकल आए हुए हैं, आई थिंक ग्रे जो है ना ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है। दिस लुक्स सोफिस्टिकेटेड, ये ब्लैक और ग्रे जो है वैसे ये ग्लास बैग जैसे लग रहा है, शाइनी है, ग्लॉसी है, बट दिस इज पॉलीकार्बोनेट, इट्स नॉट ग्लास। इन हैंड फील एक्सीलेंट, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एवरेज हाथ में भी बराबर से बैठेगा, और वो ऊपर बड़ा स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है, बाकी कुछ नहीं है। पोको की ब्रांडिंग इधर आती है। वैसे 5000 mAh की बैटरी है, बट वजन आई थिंक 185, यार लेट मी गेट दिस राइट, पिछले 7-8 अनबॉक्सिंग से मैं हमेशा 5-6 ग्राम से इधर उधर होता हूं, 187 grams, लेट्स सी, यस 187.9। एक बात कहूं दोस्तों, मैं कभी भी किसी भी फोन का पहले वेट चेक नहीं करता हूं, सो इसीलिए पिछले 15-20 अनबॉक्सिंग से राइट नहीं है, बट यस 187.9, मैं 186 कहने वाला था। कितना अच्छा लगा मुझे 187 देख के। वैसे अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है, यूएसबी टाइप सी है, माइक्रोफोन है, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, इस टाइम इन डिस्प्ले है, साइड माउंटेड नहीं है ये, ओके। वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर भी बिजी है, आयर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, ऑलराइट, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है इसके अंदर, ये देखिए, यू डोंट हैव एसडी कार्ड स्लॉट, ऑलरेडी हमारा सिम कार्ड डाला हुआ इसके अंदर, बिकॉज वी वर टेस्टिंग दिस फोन, इसलिए बाहर से तो देख लिया। वैसे गिरा के देखा है क्या, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, नहीं आता होगा तो भी गिराना तो है ही। 1, 2, and boom, 3, ओके, वन मोर, 1, 2, and नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। वैसे वॉइस कैमरा आ रहा है, यस आई कैन लिसन टू दैट, OS कैमरा है, ओके उसके बारे में बात करेंगे, लेट्स वेट फॉर इट। वैसे हाँ स्क्रैच गार्ड भी है, जब तक स्टार्ट होता है थोड़ा सेटिस्फैक्शन मोमेंट, यस क्रेजी है दोस्तों। डिस्प्ले 6.67 इंच का, 1.5K रेजोल्यूशन वाला, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाला, 1.3mm बेजल्स वाला, जी 1.3mm बेजल्स है, जस्ट लुक एट दोस बेजल्स, 12-bit डिस्प्ले है दोस्तों, 12-bit, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, HDR10+ भी है, 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, क्या चाहिए और, 1800 nits ब्राइटनेस भी है। देखिए फ्लैगशिप में जब होता है 50,000-60,000 के ऊपर तो ठीक है, मैं कहूंगा वाओ, इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देता था मैं, बट सोचिए ये जो फोन है ये 30,000 के नीचे आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अंडर 30,000, पोको X6 जो है वो 25,000 के करीब, ये जो है ये 30,000 के करीब, सो दैट्स गोइंग टू बी द प्राइसिंग। वैसे इसमें दो वेरिएंट्स है, 8256 एंड ऊपर वाला, हमारे पास जो वेरिएंट है दैट इज 12512, उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले डिस्प्ले जबरदस्त है दोस्तों, आई रियली लव द डिस्प्ले, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज अंडर 30,000 स्मार्टफोन पे। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों आता है MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा, जिसका अंतुतु स्कोर 1.4 मिलियन के ऊपर आता है। जस्ट फॉर बेंचमार्क से दोस्तों, पिछला अगर मैं X5 Pro के बारे में बात करूं, उसमें 778 था जिसका स्कोर 6-7 lakh आता था, लुक एट द जंप, डबल से भी ज्यादा परफॉर्मेंस में जंप हो गया, सो दैट इज अ बिग थम्स अप। बेस वेरिएंट 8128 नहीं है, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज है, और ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 12512 जो हमारे पास है, एंड वेट फॉर इट,
LPDDR5X RAM टाइप है लेटेस्ट एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। अंडर 30,000 में ये सब कुछ मिल रहा है, दैट इज क्रेजी। और हाँ, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी आता है। परफॉर्मेंस में हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेम्स खेल पाओगे। BGMI जो है हमने HD अल्ट्रा इस सेटिंग पे खेला एंड कंटिन्यूसली हमें 90 FPS फ्रेम रेट मिला। जेंशिन इंपैक्ट 30 मिनट से खेला, उधर भी 56-57 FPS हमें कंटिन्यूसली मिल रहा था, दैट इज क्रेजी। हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट भी रन किया 30 मिनट्स के लिए, अबाउट 82% वगैरह उसका स्कोर आया, विच इज एक्सेप्टेबल नहीं, बहुत ही अच्छा, रिस्पेक्टेबल कहूंगा। एंड इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इसके थर्मल्स भी अभी इतना फास्ट है तो मुझे ना 8300 अल्ट्रा ओवरक्लॉक वगैरह होगा, गर्म होगा, नहीं, थर्मल्स भी इन चेक है, स्पेशली क्योंकि इसमें भी 5000 mm स्क्वायर वेपर कूलिंग चेंबर है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है दे आर इन चेक। वैसे गेमिंग के बारे में एक चीज बता दूं दोस्तों, खेलते समय इसमें वाइल्ड बूस्ट 2.0 नाम का फीचर आता है, जो बेसिकली अगेन फ्रेम रेट इंटरपोलेशन करता है MEMC के जैसे, सो स्मूदर गेम प्ले आपको मिलता है। और एक चीज, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर है, जिसकी वजह से इसका जो फीडबैक है, हैप्टिक फीडबैक, वो भी जबरदस्त है। सो परफॉर्मेंस के मामले, मतलब आप मल्टीटास्किंग कीजिए, हैवी गेम्स खेलिए, कुछ भी कीजिए, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एट द सेम टाइम OS के बारे में बात करते हैं, कुछ अच्छी चीजें। या हाइपर OS आ गया है, दिस हैज हाइपर OS व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 प्लस 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट। मतलब एंड्रॉइड 14 तो है, 15-16-17 आपको मिलने वाला है, प्लस MIUI नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर हाइपर OS है, जिसके बारे में इतने दिनों से बात कर रहे हैं। सो हाइपर OS इज देयर। हाँ, लेकिन और एक चीज है, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, बट हाँ, देयर आर थर्ड पार्टी pre-installed apps for sure. All right, sensors, सभी आते हैं दोस्तों, everything is there. In fact, in-display fingerprint sensor, पहली बार Poco X series में आपको in-display fingerprint sensor मिल रहा है, अभी तक side mounted ही था, तो in-display fingerprint sensor है, face unlock है, work extremely well. वैसे interesting चीज बताऊं, जो in-display fingerprint sensor है, वो heart rate sensor भी है, मैं कहूंगा accuracy जो है, it's quite decent. Multimedia के बारे में बात करते हैं, 12-bit display दोस्तों, 68 billion colors है, Dolby Vision का support है, wow. जो डायनेमिक रेंज वगैरह, जब वीडियोस देखोगे डायनेमिक रेंज वगैरह दिखेगी आपको, मजा आने वाला है, ब्लैक्स वगैरह ब्लैक्स दिखेंगे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एमोलेड, कलर्स बहुत ही पंची दिखते हैं, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एक्सीलेंट क्योंकि 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो बहुत ही इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है। डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं दोस्तों, सो डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का भी है, नेटफ्लिक्स में भी सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स मतलब वेब सीरीज बिंज करना है, मूवीज वगैरह देखना है, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव दिस फोन। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, IR ब्लास्टर है, NFC का भी सपोर्ट है, 14 5G बैंड, जो भी बैंड है सभी बैंड्स का सपोर्ट है, सो एवरीथिंग इज देयर। इनफैक्ट एडिशनली 5 GHz का एक एंटेना भी आता है, वो वाइल्ड बूस्ट 2.0 में, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी इज इवन मोर स्टेबल, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर आल्सो ऑल देयर, इनफैक्ट राइट अप देयर। फोन इतना अच्छा है, डिस्प्ले इतना अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, दिखने को अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कैमरा कैसा है दोस्तों? कैमरा के बारे में बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है पीछे की तरफ। अब मैं X5 Pro के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 108 मेगापिक्सल का था लेकिन OIS नहीं था, अब दोस्तों इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है जो OIS सपोर्टेड है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS आप शूट कर पाओगे और हाँ, OIS एंड EIS फोटोज और वीडियोस दोनों में ही सपोर्टेड है। अगर कलर्स के बारे में बात करूं, शार्पनेस के बारे में बात करूं, क्लैरिटी के बारे में बात करूं, डायनेमिक रेंज के बारे में बात करूं, तो पोको X5 Pro के कंपैरिजन में, इवन पोको F5 के कंपैरिजन में मैं कहूंगा कि देयर इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। वैसे दोस्तों, आपको अगर देखने हैं कैसे फोटोज निकलते हैं इससे, कैसे वीडियोस निकलते हैं अलग अलग कंडीशंस में, लो लाइट में, तो जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, गो एंड चेक इट आउट। ये फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो है, ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूं, बट गो एंड चेक इट आउट, बहुत सारे फोटोज है, यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको इसके पोको X6 Pro के फोटोज कैसे लगे। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा फीचर्स, लेकिन दो तीन चीजें हैं। एक तो मैंने 4K आपको बताया, सो पीछे 4K 30 FPS है, बट सेल्फी कैमरा आपका फुल HD 60 FPS शूट कर सकता है, इधर जनरली 30 FPS होता है, तो 60 FPS आप शूट कर पाओगे। और हाँ, वीडियोग्राफी में, मतलब वीडियो जब शूट कर रहे हो, HDR वीडियोज भी आप शूट कर पाओगे, सो दैट इज देयर। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, अगेन फुल ऑफ फीचर्स, प्रो मोड आता है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, 1920 FPS सुपर स्लो मोशन मोड आता है, सो दैट इज देयर, टाइम लैप्स है, AI वाटरमार्क है, पैनोरमा है, वो सब चीजें हैं इसके अंदर, और 64 मेगापिक्सल नेटिवली आप फोटोज निकाल पाओगे, इसकी वजह से 2x लॉसलेस जूम आपको मिलता है, अगर जूम करना है तो लॉसलेस मिल जाएगी। चलिए छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वैसे IP सर्टिफिकेशन आता है, IP54 सर्टिफिकेशन है, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, पहले जैसे बताया, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, कैमरा टू API वगैरह। वैसे दोस्तों,
कलर्स के बारे में बात करूं तो ये नया कलर आ गया, वैसे ब्लैक है एंड येलो है, पोको येलो आपको बताया, द स्टैंड आउट कलर, तो फ्लैशी चाहिए तो उसके पास देखिए, बट रिच क्लासी प्रीमियम अगर दिखने वाले चाहिए तो डेफिनेटली इस टाइम आप ग्रे के पास जरूर देखिएगा। बताया था ना मैंने कि इस वीडियो के स्टार्ट में पोको X6 Pro, वाओ, आई मीन ये 28-29 हज़ार के करीब आने वाला है मेरे हिसाब से फॉर 8GB 256GB वेरिएंट। अगर ये 30 हज़ार के नीचे आता है तो सोचिए आपको 1.4-1.5 मिलियन के करीब अंतुदु स्कोर मिल रहा है, मतलब परफॉर्मेंस जबरदस्त है, डिस्प्ले इतने पतले बेजल्स, इमर्सिव डिस्प्ले, 12-bit डिस्प्ले आता है, 120Hz है, फुल HD नहीं है, 1.5K है, तो डिस्प्ले भी जबरदस्त है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, दिखने को एक्सिलेंट है, इवन कैमरास आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि पोको जो वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन है एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है फॉर पोको X6 Pro फॉर श्योर। अगर आपको एक आपका बजट 25-30 हज़ार के करीब है, डेफिनेटली दिस शुड बी इन टॉप 3 ऑफ योर चॉइसेस फॉर श्योर। एक चीज डेफिनेट है दोस्तों, डिस्प्ले परफॉर्मेंस के मामले में ये एक बेंचमार्क सेट करता है दूसरे ब्रांड्स को फॉलो करने के लिए अंडर 30,000 प्राइस रेंज में, दैट्स फॉर श्योर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।